हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ लेसन नंबर 13। इयम ज्ञानी नाम चैव वैज्ञानिका नाम विपश्ची जना नाम इयम संस्कृता नाम बहुनाम मता नाम जना नाम धरा इयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। यमिच यह भारत भूमि के लिए आया है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया है। यमिच यह ज्ञानी नाम मिस ज्ञानी लोगों की, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण लोगों की। ठीक है, चैव च प्लस एव यहाँ पर वृद्धि संधि हुई, च मिस और एमिच ही वैज्ञानिका नाम और वैज्ञानिकों की। यह भारत भूमि ज्ञानी लोगों की और वैज्ञानिक लोगों की भारत भूमि है, अर्थात समय समय पर यहाँ पर अनेक ज्ञानी पुरुषों ने जन्म लिया और अनेक वैज्ञानिकों ने जन्म लेकर के अपनी विज्ञान का वर्णन किया, अर्थात जे उन्होंने अनेक खोज किए, ने अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के आविष्कार किया और विज्ञान का लाभ भारत देश के लोगों को दिया। विपश्ची जना नाम, विपश्ची मीन्स विद्वान लोगों की, यमिच यह है, यह भारत भूमि विद्वान लोगों की। संस्कृता नाम और संस्कृत लोगों की, संस्कृत में सभ्य लोगों की भारत भूमि है, अर्थात यहाँ पर ज्ञानी पुरुषों ने और विद्वान पुरुषों ने जन्म लिया और यहाँ के लोग सभ्य और सुसंस्कृत हैं। बहुनाम मतानाम, बहुनाम मिस अनेक, मतानाम मिस विचारों की, जनानाम मिस लोगों की, अर्थात अनेक प्रकार के विचारों से परिपूर्ण लोगों की यह भारत भूमि। क्षितौ मिस पृथ्वी पर राजते शोभायमान हो रही है भारत स्वर्ण भूमि, भारत की सोने के समान भूमि। क्लियर, वापस से देखिए क्या कहते हैं कि यह भारत भूमि ज्ञानी लोगों की और वैज्ञानिकों की भारत भूमि है, विद्वानों की और सभ्य लोगों की भूमि है, और यहाँ भारत देश के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को धारण करने वाले हैं। ऐसी सोने के समान भारत भूमि यहाँ धरती पर शोभायमान हो रही है। कहने का मतलब जो भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर के अपने ज्ञान से भारत भूमि को सिंचित किया है, अर्थात लोगों को ज्ञान का प्रकाश देकर के उनके दिमाग से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया है। यहाँ विज्ञान को भी अत्यधिक महत्व दिया जाता है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने अनेक नई नई खोज की है। हमारे वेदों और पुराणों में भी विज्ञान के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है लोगों के भिन्न भिन्न विचारों से संपन्नता है, अर्थात लोग भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से युक्त है, लोगों के अपने अपने अलग अलग मत है, उनके मन में उनके दिल में दूसरों के प्रति करुणा दया ममता प्रेम आदि के भाव विद्यमान है, और वे साइंस से लेकर के यानी विज्ञान से लेकर के और निम्न स्तर तक के सभी प्रकार के क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आए हैं। ठीक है, और भारत देश ही एक ऐसा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मतों को, प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को एक समान महत्व दिया जाता है। ऐसी भारत भूमि सोने के समान विद्यमान है, सोने के समान विराजमान है। ठीक है, नेक्स्ट है इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्याधरा नाम। इयम मिस यह शिल्पी नाम मिस शिल्पकारों की, क्या है, शिल्पकारों की, शिल्पियों की, यह शिल्पियों की यंत्र विद्याधरा नाम और वह यंत्र विद्या को जानने वालों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की और शिल्पियों की भूमि है। भिषक्त शास्त्री नाम, भिषक्त मीन्स वैद्य, वैद्य जो चिकित्सा शास्त्र को जानने वाले हैं, चिकित्सा शास्त्रियों की, और भूप्रबंधे युता नाम और जो समुदाय के यानी अर्थात प्रबंध कार्यों में लगे हुए, प्रबंध कार्यों में लगे हुए, प्रबंध कार्यों में जुटे हुए लोगों की भूमि है। नटा नाम नटी नाम कवि नाम धरायम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। नटा नाम मिस नायकों की, नटी नाम नायिकाओं की, कवि नाम कवियों की, धरायम यह भारत भूमि है, यह भारत भूमि धरती पर सोने के समान शोभायमान हो रही है। ठीक है, नट और नटी या नायक और नायकों की, हीरो और हीरोइंस को बताया है। नटाना मिस हीरोइन, हीरो जो नायक जो काम करते हैं, वो कहीं भी चाहे नाटक में काम करे, वो चाहे फिल्म में काम करे, उनको नट कहा गया है, जिनको हिंदी में नायक बोलते हैं। नायक और नायिकाओं की, अभिनेत्रियों की, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की। कवि नाम कवियों की भारत भूमि है, अर्थात यहाँ पर अनेक कवियों ने अपनी कविता लेखन करके जो है लोगों को वो बड़ा ही जो है आश्चर्यचकित कर दिया है। भारत देश के लोगों के द्वारा लिखी गई कविताएं देश और विदेशों में भी पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है वने दिग्गजा नाम तथा केसरी नाम तटी नाम इयम वर्तते भूधरा नाम सिखी नाम सुका नाम पिका नाम धरा इयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि।
देखिए इस पैराग्राफ में बताया है कि भारत भूमि केवल मात्र जो है परमाणु शक्ति में संपन्नता को लेकर के या चिकित्सा शास्त्र में लेकर के विज्ञान के क्षेत्र में लेकर के वही इन सब चीज़ों से ही सुंदर नहीं है, भारत भूमि अपनी एक प्राकृतिक छटा भी रखती है। मिस भारत देश के जंगल जो है किससे, हाथियों से, शेरों से, जंगली जानवरों से भरे हुए हैं, यानी ये इन सब जानवरों से, पशु और पक्षियों से संपन्न होने के कारण से, पेड़ पौधों से युक्त होने के कारण से भी अत्यधिक सुंदर और शोभायमान हो रही है। देखिए वने मिस वन में दिग्गजा नाम मिस हाथियों की तथा और केसरी नाम मिस शेरों की, अर्थात जो है यहाँ यानी भारत भूमि के जंगलों में शेरों की मात्रा यानी किसकी, दिग्गजा नाम हाथियों के समूह बहुत अधिक विद्यमान है और यहाँ पर शेरों की संख्या भी अत्यधिक है। तटी नाम मिस नदियों की वर्तते, तटी नाम प्लस यम एम मिस यह है, तटी नाम मिस नदियों की वर्तते मिस है, भूधरा नाम पर्वतों की, और यह भारत भूमि पर्वतों से और अनेक नदियों से संपन्न है, अर्थात भारत देश में अनेक नदियां प्रवाहित होती है और यहां पर अनेक पर्वत भी विद्यमान है। सिखी नाम मिस मोरों की, देखिए प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा देने वाला पक्षी मोर भी जो है, मोरों के समूह भी यहां पर रहते हैं, अर्थात मोरों की। सुका नाम तोतों की, पिका नाम कोयलों की, धरा यम यह भूमि है। क्या कहते हैं, भारत देश में तोते मोर, तो सुका नाम इस तोते और शिखी नाम इस मोर, तोते मोर और कोयल आदि भी विद्यमान है जो भारत देश की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। ऐसी सोने के समान भारत भूमि, भारत देश में इस भूमि पर विद्यमान है, धरती पर विराजमान है या शोभायमान हो रही है। अब इन तीनों की का भावार्थ जो है मैं इकट्ठा ही एक साथ ही लिख देती हूँ ताकि आपको अलग अलग से याद जो है ना करना पड़े। ठीक है, देखिए इसका संदर्भ आप इससे पहले वाली वीडियो में देख ले, और अब इसमें मैं केवल सीधा भावार्थ ही लिख रही हूँ। तो देखिए भावार्थ लिखेंगे इसका, प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारत देश की संपन्नता व सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, भारत देश में अनेक ज्ञानी पुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाकर ने ज्ञान का प्रकाश फैलाकर लोगों को अज्ञान रूपी अंधकार से बचाया है। यहाँ अनेक वैज्ञानिकों ने भी जन्म लिया है जिन्होंने अनेक खोज व आविष्कार करके लोगों के
लोगो, ये ओ की मात्रा यहाँ पर लगेगी, ठीक है, लोगो आविष्कार करके लोगों के जीवन को सुखद व सरल किया है। यहाँ समय समय पर अनेक विद्वानों का जन्म हुआ है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से आजीवन देश सेवा की है। यहाँ सभी लोगों के विचारों को महत्व दिया जाता है। सभी लोगों के विचारों का को महत्व दिया जाता है। भारत भूमि पर अनेक शिल्पियों ने जन्म लेकर अपनी कलाओं से इस धरा को दिव्य व अलौकिक किया है अर्थात शिल्पकारों ने अपनी शिल्प कला से भारत देश को, भारत भूमि को अत्यधिक सुंदर किया है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ के लोग यंत्र विद्या से भी संपन्न है और चिकित्सकों की या जो है चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाताओं, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता अर्थात चिकित्सा शास्त्र को चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाताओं ने भी यहाँ जन्म लेकर देशवासियों को निरोगता व दीर्घायु प्रदान की है यहाँ अनेक नायक व
नायिकाओं ने जन्म लेकर देश के लोगों को अपनी कलाओं से मोहित किया है, ऐसी विद्वान कवियों की कविताओं से संपन्न यह भारत भूमि धरती पर सोने के समान शोभायमान हो रही है। देखिए, भारत भूमि न केवल वीरों, विद्वानों व वैज्ञानिकों से संपन्न है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक छटा भी अतुलनीय है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी अतुलनीय है। यहाँ के जंगल हाथियों व शेरों से भरे हुए हैं। यहाँ के जंगल हाथियों व शेरों से भरे हुए हैं। यह भूमि मोर, तोते व कोयल की मधुर ध्वनि से भी संपन्न है, अर्थात मोरों का नृत्य व कोयल की ध्वनि यहाँ के सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। नृत्य व कोयल की ध्वनि यहाँ के सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। ऐसी सौंदर्य से परिपूर्ण
परिपूर्ण भारत भूमि या भारत देश धरती पर शोभायमान हो रहा है। धरती पर शोभायमान हो रहा है। इस प्रकार से ये जो है, ये हमारे भावार्थ तीनों, ये जो लास्ट के जो तीन पद्यांश हैं उनका तीनों का हो गया है, ठीक है, तीनों का भावार्थ हो गया है। इसको आप वीडियो पॉज करके आप जो है लिख ले, ठीक है। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप फर्स्ट लिख लेंगे ज्ञानी नाम, ज्ञानी शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चैव च प्लस एव वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। विपश्चित जनानाम प्लस यम, जनानाम प्लस यम यहाँ पर केवल संयोग है। संस्कृतानाम यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, धरा प्लस यम यहाँ पर गुण संधि है, ठीक है। भारत स्वर्णभूमि भारतस्य या भारत देशस्य स्वर्ण भूमि षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और स्वर्ण भूमि यहाँ पर स्वर्ण भूमि, स्वर्णम एव भूमि में सोने के समान भूमि, ठीक है। यम शिल्पीनाम यंत्र विद्याधराणाम विषक शास्त्राणाम भू प्रबंध युतानाम नटानाम नटीनाम षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग है इनमें, ठीक है। और ये यंत्र विद्याधराणाम विद्या, मतलब यंत्र विद्या को धारण करने वालों की धरती है, ठीक है। क्षितौ धरती पर राजते शोभायमान हो रही है भारत स्वर्ण भूमि। मने सप्तमी विभक्ति एक वचन है, दिक् प्लस गजानाम, दिक् प्लस गजानाम दिग्गजानाम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है ये तटीनाम प्लस यम यहाँ पर जो है संयोग हो जाएगा। भूधरानाम शिखीनाम सुखानाम यहाँ इन सब में षष्ठी तत्पुरुष है। और धरेयम में धरा प्लस यम, धरा प्लस यम यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी आप एक एक करके लिख दे। विशेष जो है इसमें कोई खास नहीं है, यानी कहने का मतलब जो है संधि एक दो जगह ही हो रही है और बाकी एक जगह समास आप भारत, भारत देश से या भारतस्य स्वर्ण भूमि इस प्रकार करके आप षष्ठी तत्पुरुष लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इस लेसन नंबर 13 का ये भावार्थ जो है कंप्लीट होता है। बाय बाय।